हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिनमें सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क। सेकेंड टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। थर्ड इज एंथैल्पी। फोर्थ इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द लास्ट वन इज एंट्रोपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, W इज इक्वल टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू S। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी है फॉर वेरी इनफाइनाइट सिमिल चेंज, फॉर वेरी इनफाइनाइट चेंज, किसी बहुत ही छोटे चेंज के लिए P, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू डी एस, डिस्प्लेसमेंट को डी एस से लिख दिया, P इंटू डी वी, दिस इज डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन कर दें अगर हम इसका, दिस इज मदर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लेके अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग तरीके का कंफ्यूजन आपको मिलेगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज दिस इज योर सिस्टम, ये आपका एक सिस्टम है जिसमें एक मासलेस मूवेबल पिस्टन लगी हुई है जो ऊपर और नीचे जा सकती है। इस सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस रखी हुई है। कंसीडर वन सिस्टम हैविंग मासलेस मूवेबल पिस्टन विच कैन मूव अप एंड डाउन, एंड इनसाइड दिस सिस्टम वन आइडियल गैस इज कैप्ट, आइडियल गैस रखी हुई है। अगर मान लीजिए इस पे हम लोगों ने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया हुआ है ऊपर से, पहले इसका वॉल्यूम इनिशियली वी वन है, लेकिन जब हम लोगों ने प्रेशर ऊपर से लगाया है तो प्रेशर ऊपर से लगाने से मान लीजिए इसका वॉल्यूम हो गया वी टू, जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करके यहाँ तक आ गए, प्रेशर हो गया वी टू। तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन। अब सिंस वी टू इज लेस देन वी वन, तो दिस टर्म होल टर्म विल बी नेगेटिव, लेकिन हमारा जो साइन कन्वेंशन है, वो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने स्टडी किया था, उसमें ये था कि अगर आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो आपका जो वर्क डन होगा दैट विल ऑलवेज बी इंक्रीज विद पॉजिटिव साइन, और अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही है जब आप प्रेशर लगा रहे हो, तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं ये उस प्रेशर को फील कर रहे हैं, और प्रेशर को फील करने से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है जिसकी वजह से ये अंदर से एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जितना ज़्यादा बाहर से प्रेशर लगता जाएगा अंदर से उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रेशर लग रहा है तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, वर्क डन जो है वो निगेटिव आ रहा है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले में कुछ चेंज करना जरूरी है। जो एग्जैक्ट और राइट फॉर्मूला है दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, दिस पी इज एक्सटर्नल, ये हमारा राइट फॉर्मूला है। अभी इसमें
जैसा कि हम सभी जानते हैं सिंस PV इज इक्वल टू NRT, तो यहां से अगर हम P निकालेंगे तो NRT अपॉन V, पुट दिस वैल्यू ऑफ P इनटू हियर, तो DW इज इक्वल टू माइनस NRT 1 अपॉन V dV, V1 से V2 तक इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो यहां से क्या होगा DW इज इक्वल टू माइनस NRT log V2 अपॉन V1। ये जो वर्क डन है दिस W इज एक्सपेंशन, ठीक है, मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा है, जब वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 तक एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंप्रेशन वाला वर्क लें तो दैट कंप्रेशन विल बी माइनस NRT log V1 अपॉन V2, V2 अपॉन V1, V1 अपॉन V2, क्योंकि इस केस में क्या है कि एक्सपेंड हो रहा है, V1 से V2 तो बढ़ता जा रहा है, वो कंप्रेशन में क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो वो माइनस माइनस प्लस। तो अगर हम वर्क डन किसी भी साइक्लिक सिस्टम में निकालें तो क्या होगा, एक्सपेंशन वाला वर्क प्लस कंप्रेशन वाला वर्क विल बी जीरो। ओके, सो द कंप्लीट वर्क डन इन अ प्रोसेस हैविंग एक्सपेंशन एज वेल एज कंप्रेशन विल बी ऑलमोस्ट जीरो। सो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड वर्क। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी स्मॉल सी। हीट कैपेसिटी का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 gram ऑफ इट substance by 1 degree. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree. मतलब किसी भी substance के 1 degree centigrade temperature को बढ़ाने के लिए जितनी भी heat की जरूरत होती है that amount of heat is called heat capacity. इसको C से हम लोग denote करते हैं, small c से। तो Q is equal to, इसका formula जो है Q is equal to C into delta T. Q का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट, C इज हीट कैपेसिटी एंड T इज चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से अगर हम देखें तो Q और C जो है ये जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी जनरली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, depends on size, composition और तीसरी चीज है nature of substance। तो किसी भी substance का size कितना है, उसका composition कितना है और उसका nature कैसा है, ये heat capacity जो ये इन 3 factors पे depend करती है। अगर हम इन 3 factors इस formula से देखें तो C जो है वो delta T के reversely proportion है। For example अगर हम वाटर के केस में देखें तो वाटर की हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, वाटर इज हैविंग लार्ज हीट कैपेसिटी,
वाटर की हीट कैपेसिटी जो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उसमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्यू और सी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। तो क्यू अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चूंकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है इसलिए क्यू की अमाउंट जो है ये भी हाई होनी चाहिए, एनर्जी जो है हाई अमाउंट में चाहिए। हीट कैपेसिटी जैसे ये तो हीट कैपेसिटी है किसी भी सब्सटेंस के बारे में, मतलब एक ग्राम सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट चेंज होती है उसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। और एक दूसरा टर्म होता है इसी से रिलेटेड, उसको हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, दिस इज स्मॉल सी, दिस इज कैपिटल सी। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू कैपिटल सी इंटू डेल्टा टी, ऐसे इसको ध्यान में। तो मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन में इतना डिफरेंस होगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम की जगह 1 मोल हो जाएगा। ये जो 1 ग्राम है इस 1 ग्राम की जगह 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी जनरली 2 टाइप की होती है, सीपी सीवी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनको जनरली ऐसे भी डिनोट करते हैं हम, सीपी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, सीवी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, इनमें आपस में एक रिलेशनशिप होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज अ गैस कांस्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी एंथैल्पी इज एंथैल्पी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हीट, एंथैल्पी भी एक तरीके की हीट ही होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू को ऐसे लिखा जा सकता है यू टू माइनस यू वन प्लस डब्ल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन, यू टू प्लस पी वी टू प्लस माइनस यू वन प्लस पी वी वन। ये हो गया एच टू माइनस एच वन। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड और लिक्विड के केस में वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता। सॉलिड और लिक्विड के केस में डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट जीरो। तो जब डेल्टा वी जीरो होगा तो क्यू इज इक्वल टू फ्रॉम दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है जीरो, डेल्टा यू। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉर
द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. लेकिन गैस के केस में क्या होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं PV इज इक्वल टू, मान लीजिए दो कंडीशंस है, PV इज इक्वल टू nRT कंडीशन ए के लिए, स्टेट ए के लिए, PV भी इक्वल टू nBRT. तो अगर हम इन दोनों में अंतर देखें, इज इक्वल टू RT P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N फॉर गैसेस RT. तो यहां अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालें Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT. इसको एक तरीके से, क्योंकि Q क्या होता है हमारा डेल्टा H, इसको एक इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है. सो दिस इज द फॉर्मूला इज विच इज जनरली यूज फॉर वेरियस पर्पजेज इन न्यूमेरिकल्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बहुत ज़्यादा यूज होता है ये न्यूमेरिकल्स में. इसमें हमें ध्यान रखने वाली है दो चीज़ें, जो ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो सॉलिड और लिक्विड के केस में डेल्टा वी जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से डेल्टा वी यहाँ जीरो हो गया, तो क्यू जो है वो डेल्टा यू के बराबर हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन गैसेस के केस में क्या है कि मान लीजिए दो कंडीशंस है, तो उसमें एक में वॉल्यूम अलग होगा, एक में दूसरे में वॉल्यूम अलग होगा. ठीक है, तो जब वॉल्यूम अलग अलग होगा तो उनका जो चेंज है वॉल्यूम चेंज, उसको हम यहाँ पे रख के इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं. नाउ वी कम टू द टॉपिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सी ऐसी कमियां रही जिनकी वजह से सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी. सेकेंड लॉ की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. अगर आपको क्यू और डब्ल्यू दिया जाए तो आप यहां से डेल्टा यू निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, कोई एक कॉफी का मग रखा हुआ है, इसमें गर्म कॉफी रखी है, अब थोड़ी देर के बाद आप उसे छोड़ दो तो अपने आप वो ठंडी हो जाएगी. स्टार्टिंग में मान लीजिए इसकी एनर्जी 10 जूल है और 5 या 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो उसकी एनर्जी मान लीजिए 5 जूल रहेगी. अब इस केस में आपसे कहा जाए कि डेल्टा यू निकालो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप इस डायरेक्शन में डेल्टा यू निकाल देंगे. ये यू वन है, ये यू टू है, ये स्टेट वन होगी, ये स्टेट टू होगी. आपसे कह दिया आप आराम से 5-10 करके निकाल देंगे या 10-5 करके. अब आपसे कहा जाए कि इस डायरेक्शन में निकालो, तब भी आप निकाल दोगे डेल्टा यू. यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं ना. डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, 5-10-5 है ना. और अगर इधर से इधर निकाले, मान लीजिए पहले ठंडा है फिर बाद में गर्म है, तो फाइनल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो 10-5 तब भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं. लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इस डायरेक्शन में तो प्रोसेस पॉसिबल है, गर्म से ठंडी तो हो जाती है कॉफी अपने आप, लेकिन ठंडी से गर्म नहीं होती कॉफी अपने आप. आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है कि इस डायरेक्शन में तो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. मान लीजिए चाय रखी है आपकी, ठंडी हो गई है, क्या वो अपने आप गर्म हो जाएगी? नहीं होगी गर्म. वो गर्म तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको एडिशनल फोर्स नहीं देंगे, जब तक आप उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं देंगे, हीट नहीं देंगे, तब तक ये जो ठंडी चाय है ये गर्म नहीं होगी. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने में असमर्थ था. तो दो चीजें जो दो सबसे बड़ी ड्रॉबैक हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो ये है. सबसे पहला, इट इज नॉट एबल टू टेल यू अबाउट द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस
और दूसरी जो चीज है जो फर्स्ट लॉ बताने में असमर्थ था वो था डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। मतलब इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दो जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डीमेरिट है, डीमेरिट्स ऑफ फर्स्ट लॉ। मतलब दो फर्स्ट लॉ की दो बड़ी बड़ी कमियां जो हैं वो ये हैं कि एक तो इससे ये नहीं पता चलता है कि भाई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, और दूसरा ये पता नहीं चलता है कि इससे डायरेक्शन पता नहीं चलती कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस पॉसिबल है। मान लीजिए एक ठंडी गर्म कॉफ़ी तो ठंडी हो जाएगी, ये तो प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन ये प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है ठंडी से गर्म होना। लेकिन डेल्टा यू अगर आपको दे दिया जाए तो आप यहाँ से डेल्टा यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फिजिबिलिटी आपको पता नहीं चल पाएगी, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये दोनों जो कमियां हैं यही सेकंड लॉ की एडवांटेज है, मेरिट्स हैं, मेरिट्स ऑफ सेकंड लॉ। मतलब जो फर्स्ट लॉ की कमियां हैं सेकंड लॉ की वही मेरिट्स हैं, वही उसके एडवांटेज हैं, क्योंकि सेकंड लॉ से हमें ये दोनों चीजें ही पता चल जाती हैं कि फिजिबिलिटी भी पता चल जाती है और डायरेक्शन भी पता चल जाती है, ठीक है। तो जब भी हम किसी सिस्टम को देखेंगे तो पहले हम सेकंड लॉ लगाते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोसेस जो है वो इस डायरेक्शन में पॉसिबल है या नहीं, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सो व्हेन वी आर हैविंग बोथ द लॉ वी हैव टू अप्लाई बोथ द लॉ बैक टू बैक ऑन द सिस्टम। फर्स्ट वी अप्लाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड चेक इन आइदर इन दिस डायरेक्शन, क्या इस डायरेक्शन में प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद हम फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू की कैलकुलेशन करते हैं। तो सेकेंड लॉ पहले लगाएंगे, उससे दिशा पता चल जाएगी कि क्या इस डायरेक्शन में प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, और जब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोसेस पॉसिबल है उसके बाद हम यहाँ से फर्स्ट लॉ लगा के डेल्टा यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम ये समझें कि सेकेंड लॉ होता क्या है। सेकेंड लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान जो एक स्टेटमेंट है, वैसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट है जो अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए हुए हैं, जैसे केल्विन प्लांक ने अलग दिया हुआ है, क्लॉशियस का अलग स्टेटमेंट है, ठीक है, कार्नोट का अपना एक अलग स्टेटमेंट है, लेकिन एक सबसे जो एक आसान स्टेटमेंट है वो ये है कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ऑल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। ये बहुत ही आसान स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बहुत जगह यूज होता है, इसको हमेशा आप अपने ध्यान में रखें कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारी की सारी इरिवर्सिबल होती है, मतलब वन डायरेक्शनल होती है एक ही दिशा में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, पहाड़ी के ऊपर से अगर हम पानी डालेंगे तो ऊपर से नीचे ही आएगा, वो नीचे से ऊपर पानी अपने आप नहीं जाएगा जब तक कि हम नीचे से प्रेशर ना लगाएं, ठीक है। कॉफ़ी जो है वो गर्म से ठंडी ही होगी, ठंडी से गर्म नहीं होगी, है ना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के उदाहरण है कि गर्म कॉफ़ी है वो अपने आप ठंडी हो जाएगी लेकिन ठंडी से गर्म नहीं होगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि रिवर्सिबल होती तो इस डायरेक्शन में बैक हो जाता, लेकिन इरिवर्सिबल है, वन डायरेक्शनल है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो सारी की सारी एक दिशा में चलने वाली प्रोसेस होती है, उसमें क्या है कि इसी तरीके से, तो एक एग्जांपल हो गया हमारा वाटर डाउन अ हिल, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि आप उसमें कोई आउटर सोर्स ना लगाएं। कॉफी वाला एग्जांपल हो गया कि गर्म कॉफी ठंडी हो जाएगी लेकिन ठंडी कॉफी गर्म नहीं होगी। इसी तरीके से एक तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल की बॉडी है और इस मेटल की बॉडी में आप मान लीजिए एक तरफ यहाँ पे कोई चार्ज करते हैं उसको, यहाँ पे आप चार्ज देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये टेम्परेचर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी मेटल बॉडी जो है उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये पूरा टेम्परेचर जो है दोबारा से उसी पॉइंट पर इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का ही एक उदाहरण है। इसी तरीके से सूरज सुबह निकलता है एनर्जी के साथ, शाम होते होते उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगरबत्ती हम जलाते हैं, उस अगरबत्ती से जो स्प्रेड आउट हो रही है,
जो फ्रेग्रेंस निकल रही है, अब आप कहेंगे वो फ्रेग्रेंस दोबारा से उस अगरबत्ती के अंदर आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एनर्जी का नेचर भी ऐसा ही है कि एनर्जी जो है वो एक जगह कंसोलिडेट नहीं रहती, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो स्प्रेड आउट होगी, डिस्पर्स होगी या डिफ्यूज होगी, वो एक जगह कंसोलिडेट नहीं होगी जहां भी उसे जगह मिलेगी। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बहुत सारे उदाहरण है, मेटल रॉड। ठीक है, इसी तरीके से एक और इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल बॉडी है, अब इसमें आपने एक जगह कोई चार्ज दे दिया, अब यहाँ चार्ज जो जैसे ही आप देंगे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का उदाहरण है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को यहां से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जनरली दो टाइप की होती है, यहां से हम समझ लें थोड़ा सा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो जनरली दो प्रकार की होती है, एक तो वो जिनमें इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, इनिशिएशन नॉट रिक्वायर्ड और इनिशिएशन रिक्वायर्ड। एक तो वो जिनमें इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक दूसरा वो जिसमें इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ये सारे जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, इनमें किसी में भी इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, कि कॉफी का गर्म से ठंडे होने में उसमें आपको कोई बाहर से कोई सोर्स थोड़ी ना लगाना पड़ रहा है। ठीक है, वो आप कॉफी का मग रख दो, अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, उसमें कोई इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मेटल बॉडी में आपने जब चार्ज दिया तो वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऐसी वाटर का ऊपर से, जो वाटर अगर देखेंगे आप, ऊपर से नदी का पानी नीचे की तरफ ही आता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी हैं जिसमें किसी भी प्रकार के इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी होती है कि स्पॉन्टेनियस तो होती है लेकिन उनको एक बार शुरू करना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए सपोज ये एक रूम है जिसमें पूरे में कोल भरा हुआ है, कोयला है, उस कोल में किसी एक कोने पे हमने इग्नाइट कर दिया उसको, एक आफ्टर सम टाइम यू विल सी द होल जो चैम्बर है, पूरा का पूरा चैम्बर जो है एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी, वो पूरा का पूरा चैम्बर खत्म हो जाएगा, उसमें जल जाएगा, चंक हो जाएगा, होल कोल ब्लॉक विल बी चंक। ठीक है ना, तो उसमें करना क्या पड़ा, हमें एक पॉइंट पे उसको स्टार्ट करना पड़ा, एक हमें इग्नाइट करना पड़ा, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई, पूरे कमरे में आग लग गई उसमें। तो ये एक इस प्रकार की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें इनिशिएशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इस टाइप की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमें किसी भी प्रकार की इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती, जबकि इसमें इनिशिएशन की जरूरत है। तो ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। तो जो मेन स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये हमेशा याद रखना आप, कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से ही इनको डिफाइन कैसे करेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ये देखें कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी निकल रही हो बाहर, अगर इंटरनल एनर्जी डिफ्यूज हो रही है या बाहर स्प्रेड आउट हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और अगर डिफ्यूज नहीं हो रही है, कि जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है, तो इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे कॉफी वाला मग है, इसमें से देखो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, एक ठंडी कॉफी होगी। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो है अगरबत्ती का हो गया, कि आपने अगरबत्ती जलाई, उसमें से एनर्जी निकल गई, ठीक है, वो दोबारा से कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी एक जगह। मेटल रॉड वाला एग्जाम्पल हो गया। तो किसी भी ऐसी रिएक्शन में अगर हमें पता करना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो फर्स्ट थिंग विच वील हैव टू चेक दैट इंटरनल एनर्जी शुड बी स्प्रेड आउट और डिफ्यूज्ड। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी फैल रही हो, निकल रही हो बाहर, ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो प्रकार की होती है, इनिशिएशन की जरूरत जिसमें पड़े वो, और जिसमें इनिशिएशन की जरूरत ना पड़े। तो इस टाइप की दोनों रिएक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये कहता है कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारी की सारी एक ही दिशा में चलने वाली होती है, वन डायरेक्शनल होती है।
ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स में जुड़े हुए हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसी से जुड़ा हुआ टर्म जो है वो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, और इसी सेकेंड लॉ से जुड़ा हुआ जो टर्म है वो है हमारा एंट्रोपी।